हरे कृष्णा। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे दो पिछले सेशन, सेशन वन आर्ट्स स्ट्रीम पर और सेशन टू कॉमर्स स्ट्रीम पर अवश्य देखे होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक विनम्र अपील करना चाहूंगा कि अगर आप कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर आपकी एक बेहतर समझ विकसित हो सके और आप अपने करियर के संबंध में सही से निर्णय ले सकें। और यदि आप कक्षा 10 या 12 को उत्तीर्ण किए विद्यार्थी नहीं है तो आपसे मेरी अपील है कि इस सेशन के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे विद्यार्थी जिन्होंने अभी हाल ही में कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण की है वे अपने करियर के संबंध में लाभान्वित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ का सेशन 3 ऑन कॉमर्स स्ट्रीम। दोस्तों, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य संकाय को हम जानेंगे किस प्रकार से आपको वाणिज्य संकाय का चुनाव करना है, कौन कौन सी बातें हैं जो कि आपको वाणिज्य संकाय की ओर आकर्षित करेंगी, कौन कौन से विषय कॉमर्स में होते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या वो आधार होगा जिसके आधार पर आप ये निर्णय लेंगे कि आपको कॉमर्स का चुनाव करना है या कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है उनका चयन आप किस आधार पर करेंगे, और कौन सी वो विशेष बातें होंगी जिन्हें आपको इग्नोर करना है और किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। इन सभी पर विस्तृत विश्लेषण को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं कॉमर्स के ऊपर हमारा गाइडेंस का सेशन 3। सबसे पहले परिचय, कॉमर्स स्ट्रीम के परिचय के बारे में बात करते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम क्या है। दोस्तों, कॉमर्स यानी कि वाणिज्य या कॉमर्स का तात्पर्य होता है दोस्तों जो दूसरों के लिए, दूसरों के बिजनेसेस में जो हेल्पिंग एक्टिविटी होती है उसे कॉमर्स कहा जाता है। दोस्तों, कोई बिजनेस कर रहा है उसे हम कम्युनिकेशन की सुविधा दे रहे हैं, ट्रेवलिंग की सुविधा दे रहे हैं, अकाउंटिंग की सुविधा दे रहे हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं बिजनेसेस को प्रोवाइड की जाती है वो कॉमर्स के अंतर्गत आती है। और एक कॉमर्स के बालक को, जब कोई बालक दसवीं पास करके वाणिज्य संकाय को लेना चाहता है तो उसके सामने कॉमर्स को चुनते समय एक बहुत ही जो उसको एक पशुपेश की स्थिति में वो होता है, क्योंकि दोस्तों आर्ट्स या साइंस उसके बारे में तो उसे पूर्व में जानकारी होती है लेकिन कॉमर्स से तो बिल्कुल अनभिज्ञ है। कॉमर्स की 11th क्लास उसके जीवन की पहली क्लास के बराबर है, क्योंकि दोस्तों उसने दसवीं तक कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। वो कॉमर्स में आने वाली जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता है। हाँ, हालांकि उसे मैथ का थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन जो कॉमर्स की कोर सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इनके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में उसके करियर के संबंध में उसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, उसकी कोई समस्या है तो उसे कोई काउंसलिंग करने वाला हो, इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए हम आपके बीच में इस सेशन को लेकर के आए हैं। यह सेशन आपको निश्चित रूप से कॉमर्स के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करने में और फिर उस समझ के साथ में अपना करियर को चुनने में, निर्णय करने में सहायता करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे कि कॉमर्स में विषय कौन कौन सी हैं, दसवीं के बाद आपको कौन कौन सी विषय लेनी होंगी, ग्यारहवीं में और बारहवीं में, और बारहवीं के बाद आप उन विषयों के कॉम्बिनेशन के आधार पर कौन कौन से कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध हैं, किस आधार पर आप विषय का चुनाव करोगे, कॉमर्स में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है और विशेष बिंदु जो आपको ध्यान में रखने, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है बारहवीं में और ग्यारहवीं के लेवल पे दसवीं के बाद कौन कौन सी होती है। सबसे पहले दोस्तों इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होती है, उसके बाद में अकाउंटेंसी कंपलसरी सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टडी भी कंपलसरी सब्जेक्ट है कॉमर्स स्ट्रीम की, उसके बाद में एक सब्जेक्ट आपको चूज करनी होती है जिसमें आप इकोनॉमिक्स का चुनाव कर सकते हैं अगर आपकी अर्थशास्त्र में रुचि है, आप कंप्यूटर का चुनाव कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर में आगे भविष्य बनाना चाहते हैं और आपकी कंप्यूटर में रुचि है, आप स्टेटिक्स का चुनाव कर सकते हैं अगर आपको आंकड़ों से खेलना अच्छा लगता है, आप मैथमेटिक्स का चुनाव कर सकते हैं अगर आपकी गणित विषय में रुचि है। इस प्रकार से 12th का जो कॉम्बिनेशन होता है हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, कोर सब्जेक्ट के रूप में अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, टाइपिंग आदि सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल के रूप में यहाँ पर मिलती है। जब आप आगे बढ़ते हैं 12th के बाद आप आते हैं तो आपका जो बीकॉम स्तर पर या अन्य स्तरों पर आप जो पढ़ाई करते हैं तो ये जो सेक्शंस होते हैं वो एबीएसटी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिक्स, बीएडीएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड ईएफएम,
इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बढ़ जाता है, और उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे बुक कीपिंग, बैंकिंग, इन्फो प्रैक्टिस, स्टेटिक्स, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंस, और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमर्स में लगभग 16 से 17 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है कॉमर्स। तो दोस्तों कॉमर्स एक वास्ट करियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें एक विस्तृत रूप से आपको बहुत सारे करियर ऑप्शंस मिलते हैं जिनको कि आप समझ करके आपकी रुचि, योग्यता और आंतरिक अभिप्रेरणा के आधार पर चुनाव करते हुए अपने करियर को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। दोस्तों जनरली कॉमर्स पर इतनी बातें नहीं की जाती है और कॉमर्स को एक एक ऐसा इग्नोर सा कर दिया जाता है, लेकिन यह वीडियो इसलिए है, ये सेशन हम इसलिए आयोजित कर रहे हैं ताकि आपको कॉमर्स के बारे में एक अच्छी बेहतर समझ विकसित हो सके। दोस्तों मैं जैसा पूर्व में बता चुका हूं, आने वाले समय में हम कॉमर्स में एक जनरल सेशन भी आयोजित करेंगे एक्सपर्ट के साथ में, और उसके साथ ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पर हम अलग अलग सेपरेट सेशंस आयोजित करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्यूचर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर से दबाएं। दोस्तों अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट अभी हमने देखी थी कॉमर्स में, इनका चुनाव आपको किस आधार पर करना है, क्या आधार हो जिससे कि आप इन सब्जेक्ट का चुनाव अच्छे ढंग से कर सकें। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा कि वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको टोटली इग्नोर करना है, जिन पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उनमें सबसे पहली बात है कि मेरे साथ के जो बच्चे हैं, मेरे जो साथी हैं, वो सभी कॉमर्स का चुनाव कर रहे हैं तो मुझे भी कॉमर्स लेनी चाहिए। मैं जानता नहीं हूँ कॉमर्स क्या होती, मेरी कोई रुचि भी नहीं है विशेष कॉमर्स में, लेकिन मेरे साथी ले रहे हैं तो मुझे भी लेनी होगी, ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। कॉमर्स लेने वाले बच्चे समाज में अच्छा सम्मान पाते हैं, सब लोग उनकी इज्जत करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं। ऐसा कोई प्रमाणिक बात नहीं है कि कॉमर्स लेने वाले बच्चे ही अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं या समाज में उनका अच्छा स्थान होता है। मेरे पापा है, मेरी मम्मी, मेरे रिलेटिव मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, CWA, CMA बनाना चाहते हैं, बैंक में अच्छा अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनते हुए देखना चाहते हैं, नहीं। आप क्या बनना चाहते हैं, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप अपने माता पिता के कहने पर, उनके दबाव में आकर के अगर कॉमर्स का या किसी भी संकाय का चुनाव करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ में, अपने करियर के साथ में न्याय नहीं कर रहे। उसने कॉमर्स ली थी, आज वो कितना बड़ा आदमी बन गया है। बच्चे इस तरह का किसी को देख करके उनके मन में बात आ सकती है। पेरेंट्स भी बच्चों को कहते हैं, देखिए शर्मा जी का लड़का, उसने कॉमर्स ली थी, आज देखिए वो फलाने बैंक में मैनेजर है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। इस तरह की बातें जो बालक को उदाहरण देकर के पेरेंट्स उनको किसी स्ट्रीम को लेने के लिए फोर्स करते हैं, बिल्कुल गलत है, इन चीजों से बचना चाहिए। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि विषय का चुनाव किस आधार पर करें, कॉमर्स स्ट्रीम को किस आधार पर लें, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट है उनको किस आधार पर चुने। तो आइए देखते हैं, मेरी रुचि कॉमर्स पढ़ने में है इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूं, मैं खुद आंतरिक अभिप्रेरणा से सीए बनना चाहता हूं इसलिए मैं कॉमर्स ले रहा हूं, मैं बैंक में काम करना चाहता हूं, एमएस प्रिंट हो गई है, मैं बैंक में काम करना चाहता हूं, मैं एज ए बैंकर अपने आप को देखता हूं, मैं बैंक मैनेजर के रूप में काम करना चाहता हूं, सेवाएं देना चाहता हूं, मुझे अकाउंट्स में रुचि है, मुझे मैथ में रुचि है, मुझे आंकड़ों से खेलना पसंद है, मुझे स्टैटिस्टिक्स पसंद है, इस कारण से मैं कॉमर्स का चुनाव कर रहा हूं। इस इनर इंक्वायरी के साथ में आपको कॉमर्स संकाय का चुनाव करना चाहिए। तो ये 4 टिक्स जब तक आप नहीं कर लेते हैं तब तक आपको किसी भी संकाय के चुनाव में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने विषयों को जान लिया, मैंने ये भी जान लिया कि मुझे विषयों का चुनाव किस आधार पर करना है, लेकिन जीविका चलाने के लिए तो मुझे करियर ऑप्शंस के बारे में भी तो जानना होगा कि क्या करियर ऑप्शंस कॉमर्स में है। ज्यादातर दोस्तों ये देखने में आता है कि कॉमर्स का नाम जैसे आता तो लोग कहते हैं कि बैंक में जॉब कर लो, टीचर बन जाओ, सीए तो इंटेलिजेंट बच्चे बन सकते हैं, इस तरह की जो बातें हैं कॉमर्स के बारे में अक्सर की जाती है। लेकिन हम एक एक चीज को विस्तार से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कौन सा कोर्स आपके लिए उपयुक्त है, उस तक आप कैसे पहुंचेंगे, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों ये कुछ कोर्सेज हैं, कुछ फेमस चीजें हैं जो कॉमर्स के विद्यार्थी को जानना जरूरी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द हाइएस्ट कोर्सेज इन द कॉमर्स स्ट्रीम। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स जो है इसकी बेसिक डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। कंपनी जो कंपनीज में और आने जितने भी तरह के जो फाइनेंशियल वर्ल्ड के एक्टिविटीज होती है उसमें सीए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया सीए की भारत में महत्वपूर्ण संस्था है, एकमात्र संस्था है जिसकी मेंबरशिप लेने के बाद में ही कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट दो रूपों में अपना काम कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस।
यानी कि वो एक जॉब कर सकता है या खुद की प्रैक्टिस, जिस तरह से डॉक्टर करते हैं, वकील करते हैं, एज ए प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में विस्तार से कंप्लीट जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाने वाले हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के ऊपर एक स्पेशल कॉम्प्रेहेंसिव गाइडेंस का सेशन, जिसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ पाएंगे और सीए से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आप जान पाएंगे। अगर आपको सीए से रिलेटेड कोई भी जानकारी एक्सपर्ट से पूछनी है तो हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम उस सेशन में एक्सपर्ट से क्वेश्चन करते समय आपके कमेंट्स को भी शामिल कर सके। दूसरा महत्वपूर्ण जो कोर्स है वह है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। इसके लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये महत्वपूर्ण संस्थान है जिसकी मेंबरशिप लेने के बाद में ही कोई व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी बनता है। कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी में क्या रोल है, किस प्रकार का ये कोर्स है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए भी हम स्पेशल सेशन सीएस राघव चतुर्वेदी जी के साथ में आपके सामने लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ में बने रहिए ताकि आपको स्पेशलाइज नॉलेज इन कोर्सेज पर मिल सके। सीएमए पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट कोर्स एंड वर्क अकाउंटेंट अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। आप 12th के बाद में बीकॉम परस्यू कर सकते हैं, बीकॉम का पास कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स आप कर सकते हैं, किसी स्पेशलाइज सेक्शन में आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं। आपको बीसीए करना चाहिए, आपको बीबीए करना चाहिए, क्या आपके लिए बेहतर है, ये सभी बातें अगर आपको जाननी है तो आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। आने वाले सेशंस में हम स्पेशलाइज सेशन इनके ऊपर रखने वाले हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कोई भी कोर्स जो होता है वो अपने आप में, अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, एमबीए जो बीबीए के बाद में ही मास्टर डिग्री है वो भी आप कॉमर्स अगर आप चुनाव करते हैं तो आपके सामने करियर का अच्छा ऑप्शन है। इनके अलावा और कई करियर ऑप्शंस जो कि कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो अपनी सेवाएं दे सकता है, अपना करियर चुन सकता है। आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बैंक में आप एज ए बैंक पीओ, कैशियर, बैंक मैनेजर और बैंक की जो गवर्निंग बॉडी है वहां तक भी आप पहुंच करके काम कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप स्टेटिक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, जो जितने भी आंकड़ों का प्रबंधन संबंधी विभाग है उसमें आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट को कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए अपना करियर चुन सकते हैं। आप शेयर में इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट को आप समझ सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग में आप अपना योगदान दे सकते हैं। सरकार जो बजट बनाती है, बजटिंग एक्टिविटीज में विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए जो बजट बनता है उन बजट को तैयार करने में आप अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लॉ एक अच्छा अपने आप में सेक्टर है, आप अपनी वकालत कर सकते हैं। आप जुडिशरी सर्विसेज में जा सकते हैं। आप टैक्स के बारे में टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, इनकम टैक्स के रिटर्न भरना, जीएसटी का आप काम कर सकते हैं। आप एज ए टीचर अपने प्रोफेशन को चुन सकते हैं, आप कॉमर्स का टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर आप बन सकते हैं। आगे हम यूजीसी नेट एग्जाम के ऊपर एक डिटेल्ड सेशन सीए अभिषेक बंसल जी के साथ में लेकर आने वाले हैं। इस प्रकार से कंप्लीट जो एक कॉमर्स की जानकारी है वो हमने आपको देने का यहाँ पर प्रयास किया है। और भी कई ऐसी स्ट्रीम है और भी कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको कि आप कॉमर्स लेते हुए ऑप्ट कर सकते हैं और अपना करियर कॉमर्स में बना सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि इन सभी बातों को हमने जाना कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, लेकिन किसी भी संकाय का चुनाव करते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, तो उन चार बिंदुओं को आप अपने दिमाग में स्थिर कर लीजिए और उन पर विचार करने के बाद में ही किसी भी संकाय या किसी भी स्ट्रीम का चुनाव करने के बारे में निर्णय लीजिए। कौन सी हैं वो चार बातें, आइए देखते हैं। सबसे पहले, कोई भी जो स्ट्रीम होता है वो अपने आप में अच्छा या खराब नहीं होता है। दोस्तों कहते हैं कि साइंस स्ट्रीम बहुत अच्छा है, इसे इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं, आर्ट्स को तो जो बच्चे अच्छी परसेंटेज नहीं बना पाते हैं वो लेते हैं। कोई भी स्ट्रीम खराब या अच्छा नहीं होता है, ये सब बातें मिथ्या है, मिथ्स है, इनका कोई आधार नहीं है। दोस्तों संकाय अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं है, आपके लिए कौन सा संकाय उचित है, किस फैकल्टी में आप अपने आपको सहज महसूस करते हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी रुचि है, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों प्रत्येक बालक जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से भिन्न होता है, उसका सामाजिक आर्थिक पारिवारिक जो परिवेश होता है वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और प्रत्येक व्यक्तित्व का बालक अपने अपने अनुसार अपनी अपनी रुचियों को विकसित करता है और उसके आधार पर वो पढ़ाई करना चाहता है। तो माता पिता को और बालकों को खुद भी ये चाहिए कि वो किसी के दबाव में ना आए, माता पिता उन पर अनावश्यक दबाव ना बनाए कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे सीए बनना है, तुझे टीचर बनना है। नहीं, वह बालक स्वतः प्रेरणा से, आंतरिक प्रेरणा से, खुद की इच्छा से, उसका मन क्या कहता है, वो जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहता है, उसकी सुने, उसे गाइड करें, जैसा कि हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके प्रश्न है वो आपको तब तक प्रश्न नहीं बताएगा जब तक कि आप उस पर अनावश्यक दबाव डालते रहेंगे, उसे आप फ्री छोड़ दें। करियर देखिए, करियर चुनना केवल कोई ऐसा खेल नहीं है कि कोई ये सब्जेक्ट ले लो, वो ले रहा है तो मैं भी ले लूं, जिसकी हमने अभी बात की। हमें किसी की होड़ में नहीं काम करना, हमें किसी के दबाव में काम नहीं करना है।
हमें यह जांचना है कि हमारी रुचि क्या है, हमारी योग्यता है, हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिल जाएंगे तभी आप किसी भी संकाय का चुनाव करने में समर्थ हो सकते हैं। और इनके जवाब आपको कब मिलेंगे, जब आप इनर इंक्वायरी करेंगे, बालक खुद से प्रश्न पूछेगा कि मैं क्या चाहता हूं, किसमें मुझे अच्छा लगता है, कौन सा काम ऐसा है जो मैं सहज रूप से आनंद के साथ में कर सकता हूं। इन सभी प्रश्नों के जवाब जब उसको मिल जाए तभी जाकर के वो एक निर्णय की स्थिति में आ सकता है कि वो आर्ट्स स्ट्रीम में जाए, कि वो साइंस स्ट्रीम में जाए, या फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाए। मैंने पहले ही कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी स्ट्रीम, कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा है बुरा नहीं है। किसी भी स्ट्रीम या किसी भी संकाय में कोई बेटर करियर ऑप्शन है, किसी में कोई बेकार करियर ऑप्शन नहीं है। बस डिपेंड करता है कि आपके व्यक्तित्व के अनुसार, आपकी जो रुचि है, आपकी जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, उसके अनुसार कौन सा संकाय, कौन सी सब्जेक्ट, कौन सा जो फैकल्टी है वो आपके लिए सूटेबल है, आप उसी का चुनाव कीजिए। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन को सुनने के बाद में भी कोई किसी प्रकार की दुविधा, क्योंकि अब तक हम 3 सेशन कर चुके हैं, अगर आपने पहले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी वीडियोस के लिंक है, आप वहां पर जाकर के उन दोनों सेशंस को देख सकते हैं और अपनी आर्ट्स साइंस के बारे में एक अच्छी समझ बना सकते हैं, कॉमर्स के बारे में समझ आई होप इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी बन गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप प्रश्न जानना चाहते हैं, कोई काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आप हमारी इन लिंक्स को फॉलो करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और सिंपली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं को हल करने का यथासंभव पूरा प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर स्पेशल अनाउंसमेंट में करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जैसे ही ये हमारी तीनों जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा ये सेशन, उसके बाद में हम आपके लिए चार्टेड अकाउंटेंट्स कोर्स के ऊपर एक्सपर्ट के साथ में हम आपके लिए स्पेशल सेशन लाने वाले, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के ऊपर लाने वाले हैं, बीसीए और एमसीए के ऊपर हम कोर्स लाने वाले हैं आपके लिए अलग से सेशन, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज का एक विस्तृत, हो सकता है एक दो पार्ट में हम टीचर ट्रेनिंग के ऊपर एक दो सेशन अलग से आयोजित करें, डिटेल्ड एनालिसिस किस प्रकार से आप टीचर बन सकते हैं, कौन कौन से करियर ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से उनको क्रैक करेंगे, बीएड कोर्स क्या है, एमएड कोर्स क्या है, बीपीएड क्या है, इन सभी के बारे में, इंटीग्रेटेड एमएड बीएड सबके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम करने वाले हैं, यूजीसी की जो नेट एग्जामिनेशन होती है उसका सिलेबस कैसे होता है, कैसे उसकी तैयारी करें, कौन कौन से सब्जेक्ट में आयोजित होती है, कंप्लीट डिटेल्ड एनालिसिस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो जरूरी है। इसके साथ ही आने वाले आप हमें जो आपकी जो जिज्ञासाएं जिन कोर्स के बारे में है उनके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि उन्हें भी हम आने वाले सेशन उन टॉपिक्स को भी शामिल कर सकें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सबसे महत्वपूर्ण उन बालकों तक, दसवीं, और मेरा मकसद है कि दसवीं और बारहवीं के ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को सुने और सुन करके वो अपने करियर के बारे में एक बेहतर समझ विकसित करें और उसके बाद ही अपने करियर के बारे में कोई निर्णय लें। दोस्तों, मुझे प्रसन्नता होगी अगर एक भी बालक इन वीडियो को देख करके अपने करियर के बारे में कोई डिसीजन ले पाता है, कोई अच्छा डिसीजन मेकिंग कर पाता है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ये जो हमारी पूरी सेशन, एक हमने जो श्रृंखला चलाई है करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर यूथ, हमने जो प्रोग्राम चला रखा है, इस प्रोग्राम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि वे, और जोड़ने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस वीडियो को आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। हरे कृष्णा।